भोपाल क्राइम ब्रांच एवं थाना खजूरी सड़क ने 48 घंटे में किया पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ भी 3,79,000 रुपए की लूट का पर्दाफाश। थाना खजूरी सड़क पर में हुई पेट्रोल पंप कर्मचारी की आंख में मिर्ची पाउडर डालकर लूट का क्राइम ब्रांच टीम ने किया खुलासा। आरोपियों के विरुद्ध पूर्व में पंजीबद्ध है दर्जनों गंभीर अपराध। आरोपियों के विरुद्ध थाना बैरागढ़ में हत्या का प्रयास एवं अवैध हथियार के अपराध पंजीबद्ध है। आरोपी गण अपने पास रखते थे मिर्च पाउडर व अन्य सामान। थाना खजूरी में दिनांक 6 जून को पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी है उसके साथ एक लूट की वारदात हुई थी, जिसमें 3,79,000 के लगभग जो कैश है वो लुटेरों के द्वारा छीन लिया गया था और मौके से फरार हो गए थे। खजूरी पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमों ने लगातार पूछताछ और पड़ताल की तो ये पता लगा कि जो पूर्व कर्मचारी है उसने ही इस घटना के लिए पूरा प्लान बनाया है और प्लान के तहत पूरी सूचनाएं लुटेरों को दी हैं। एक तरह से लूट को पूरी तरह लीड किया है। सबसे पहले उस की तलाश की गई कर्मचारी की, उसको पकड़कर पूछताछ की गई तो खुलासा हुआ कि और भी लोग इस घटना में शामिल हैं। 4 से 5 लोग इस घटना में शामिल हैं। तत्काल टीमें पतारसी करते हुए भोपाल और इंदौर के आसपास इनकी तलाश की गई, घेराबंदी करके 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें और भी 3-4 लोग हैं जिनको हिरासत में लिया पूछताछ के लिए, क्योंकि कुछ लोगों से पैसे बरामद हुए हैं, कुछ लोग लूट में शामिल रहे हैं, कुछ लोग प्लानिंग में शामिल रहे हैं, कुछ लोग इस पैसे को छुपाने में भी शामिल रहे हैं। इसके अलावा इनका काफ़ी क्रिमिनल्स रिकॉर्ड मिला है। इस रिकॉर्ड के आधार पर नगर निगम के जरिए हम लोग इनके जो अवैध निर्माण उसकी भी पड़ताल करवा रहे हैं। इनके खिलाफ़ प्रतिबंधक कार्रवाई भी की जाएगी, साथ साथ जो पैसे है लगभग 2,61,000 करीब हम लोगों ने बरामद कर लिए हैं। एक आरोपी और संभवतः उसके साथ और भी 1-2 हो सकते हैं, इसके लिए इनाम की घोषणा की कार्रवाई करवा रहे हैं और शेष आरोपी के पकड़ने का बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। ये आरोपी है कितना बरामद हुआ इनसे? ये सभी आरोपी बैरागढ़ के आसपास के हैं और 2,61,000 के करीब इनसे कैश बरामद हो चुका है। 1,00,000 के करीब इनसे बरामदगी करना शेष में कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी और शेष है। उम्मीद है कि उन आरोपियों गिरफ्तार होने के पश्चात ये बरामदगी संभव हो पाएगी। 3 आरोपी कहाँ से गिरफ्तार हुए सर? ये भोपाल, इनकी तलाश हम लोगों ने सीहोर, उज्जैन, इंदौर सब आसपास की थी और इनको भोपाल में भी हम लोगों ने तलाश की थी और बाद में जब इनका जो लोकेशन के आधार पर इनकी जो उसके आधार पे जो इनके मौके पे मिले उनको घेराबंदी करके वहाँ पर गिरफ्तार के पैसे जब्त किए। पैसे जब्त करने में काफ़ी मशक्कत करानी पड़ी। इसमें एक और भी चीज़ थी कि जो कुछ लोग पुलिस को सूचनाएं दे रहे थे वो पुलिस को गुमराह भी कर रहे थे। ऐसे व्यक्ति को हमने आरोपी बनाया है और उसकी निशानदेही से कुछ पैसे बरामद किए।